आप देख रहे हैं क्या शानदार यह क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान सवाई माधोपुर की एक विथा, क्या शानदार यह विथा है। आप देख पा रहे हैं यह झोंपड़ी प्राकृतिक आवास जहां पर बकरी बंधी हुई है। हम देख पा रहे हैं वृक्षों पर घोंसले बने हुए हैं। ये प्राकृतिक घर हैं, प्राचीन काल के घर हैं जहां छतों पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो घास है उसका प्रयोग किया गया है। लकड़ी से दरवाजे, बांस के दरवाजे, मांडना कला को जीवित रखा गया है। पक्षियों को बचाने के लिए यहाँ पर परिंडे भी बांधे हुए हैं। क्या शानदार दृश्य! और ये परिकल्पना नहीं है, ये तो प्राचीन काल में हम देखते थे हमारे घरों का, और क्या शांति रहती थी। लेकिन धीरे धीरे अब हम शहरों की तरह उन्मुक्त होते जा रहे हैं, शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अपने जीवन की जो शांत एक शैली थी उसको धीरे धीरे बहुत तनावमय वातावरण में बनाते जा रहे हैं। मित्रों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शहरों की तरफ न जाए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम गांव को भूल जाए, गांव की ओर न लौटें, गांव पर विचार न करें, उनकी प्राकृतिक संपदाओं को लूट लें, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। मित्रों, हमें शहर के साथ साथ गांव की तरफ भी जाना होगा, उस प्राकृतिक संपदा को बचाना होगा जिसकी वजह से आज हम हैं, जीवित हैं, और उस प्राकृतिक संपदा के कारण ही हमारी जो अस्तित्व है वो आज भी बरकरार है। तो क्यों न हम अपने इस ग्रामीण परिवेश को पहचानें और इसके अनुसार, इसमें आप देख रहे हैं विद्युत व्यवस्था जो कि गांव में, लेकिन नवीनता भी जरूरी है, लेकिन हम हमारे पुराने रीति रिवाजों को न भूलें, तभी तो विश्व में हमारा नाम परचम लहरा रहा है। और कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा मिट गई जहान से, मगर कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अभी बहुत कुछ है बाकी, नामो निशान हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। यही प्रकृति प्रेम, यही ग्रामीण परिवेश का प्रेम, यही जो हमारे जोधपुर में हम कह सकते हैं कि अमृता देवी और उसका बलिदान, विश्नोई समाज का पक्षियों पशुओं के प्रति प्रेम, प्राचीन पीपल पूजा और किस प्रकार से वृक्षों की पूजा, इमली की पूजा, ये सब कुछ तो हमको प्रेरित करती है और हमें समझने का अवसर देती है। तो आइए मित्रों, आपने अपनी जानकारी को धैर्यपूर्वक समय निकालकर सुना समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।